जहां पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है कई मुद्दों को लेकर, जिसमें एनआरसी और सीएए मुख्य हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ऐसा मदरसा है जहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल मैं इस मदरसे में मुस्लिम छात्रों के साथ साथ हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, और इनमें छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, और यहाँ पर बच्चों को अपनी पसंद की भाषा समझने की छूट है। तो यहाँ पर 50 मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू के ऊपर संस्कृत को चुना है और वो संस्कृत सीख रहे हैं। वहीं 30 हिंदू बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत के ऊपर उर्दू को चुना है और वो उर्दू सीख रही हैं। मदरसा प्रशासन का कहना है कि उन्होंने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। हमारे पास जिस जिस चीज़ के टीचर मौजूद हैं, हम सभी को ऑप्शन देते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं। इसमें अगर कोई संस्कृत सीखना चाहता है तो उसका स्वागत है, और अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। यहाँ पर किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, और ना ही हम धर्म के हिसाब से भाषाएँ सिखाते हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो भाषाओं का भी धर्म बांट दिया जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि भैया उर्दू तो मुस्लिम भाषा है, कुछ लोग कह देते हैं संस्कृत हिंदू भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्दू प्यार की भाषा है। अगर इंडिया में कुछ भाषाओं की बात करें तो कहते हैं कि अंग्रेजी बिजनेस की भाषा है, हिंदी जज्बात की भाषा है, और उर्दू प्रेम की भाषा है। उसी तरह से संस्कृत भारत देश की प्राचीन भाषा है, और भाषा का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। और ये मदरसा बिल्कुल उसी तरह से चीज़ों को ले रहा है, और उसी तरह अपने छात्रों को भाषाएं सिखा भी रहा है। ऐसे बहुत से मदरसे हैं जो विवादित बयान देकर विवाद करवाते रहते हैं, और ऐसे मदरसों के जो संचालक होती हैं, इसमें उन्हीं का ही दोष होता है। लेकिन इस मदरसे के संचालक यकीनन काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, और हिंदू और मुस्लिम तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहते। इसके अलावा इस मदरसे में मुस्लिम टीचर होने के अलावा 2 हिंदू टीचर भी हैं। ये दिखाता है कि ये मदरसा भारत की जो विचारधारा है उसको फॉलो करता है, और वो विचारधारा है सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म की विचारधारा कुछ आजकल लोगों में से खत्म होती जा रही है, लेकिन जब इस तरह के एग्जाम्पल सेट होते हैं तो यकीनन भारत के सेक्युलरिज्म पर यकीन होता है, और यकीन रहता है कि भारत का सेक्युलरिज्म कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।